हमारा जो माइंड है वो किस तरह से काम करता है बहुत क्लियरली लोगों को पता नहीं है। अभी तक हम लोग तुक्के चला रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, और ये क्यों नहीं क्लियरली पता है? बिकॉज ये हम सबको अपने आप ही डिस्कवर करना है। और सबसे अच्छा जो तरीका है डिस्कवर करने का वो है थ्रू हैबिट। अगर हमें डिस्कवर करना चाहते हैं कि हमारा माइंड कैसे यूज कर सकते हैं हम, तो हमको जो नेसेसरी चीजें हैं जो हमारे को सक्सेसफुल बना सकती हैं उनको हैबिट में डाल देना चाहिए। एक बार सक्सेस हमारी हैबिट में आ गई, उसके बाद हम देखते हैं हमारे ब्रेन से और क्या बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो लोग पूछेंगे, तब सर फायदा ही क्या, जब सक्सेस ही हमारी हैबिट में आ गई तब और किस लिए ब्रेन यूज करें, है कि नहीं? आखिर आदमी ब्रेन किस लिए यूज करता है? सक्सेस के लिए। और जब सक्सेस ही हैबिट में आ जाएगी तब ब्रेन की यूज करेंगे। बेसिकली तब ही पता चलेगा, अभी तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे आदमी जब बीमारी से ठीक होगा तब वो एक्सरसाइज करेगा, तब वो अपनी बड़ी बड़ी पोटेंशियल्स को खोज पाएगा। हाँ परवेज, सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट टू गेट आवर बेसिक घर का खर्चा, खाना पीना, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, ये सब हैबिट टेक केयर करे, ताकि हम अपने ब्रेन का और अच्छा डेवलपमेंट कर सकें, तब जाके हम खान अकेडमी जैसी चीजें बना पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हैबिट कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, हैबिट को हम कैसे यूज कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ अ कोच इज फोकस ऑन चेंजिंग हैबिट्स, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? डंगी, डंगी कोच, डंगी टोनी डंगी, वो कौन सी टीम के साथ काम कर रहे थे? बकनियर्स के साथ, जो पिछले 16 सालों में एक भी मैच नहीं जीती है। टू अंडरस्टैंड हाउ कोचेस फोकस ऑन चेंजिंग हैबिट्स कुड रीमेक अ टीम, इट्स नेसेसरी टू लुक आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये हैबिट को कैसे यूज करते हैं प्लेयर्स की टीम को ठीक करने के लिए स्पोर्ट्स में, थोड़ा हमको बाहर देखना पड़ेगा, थोड़ा स्पोर्ट्स से बाहर। आउट वे आउटसाइड टू अ डंगी बेस टू डंजी टू अ डिंजी बेसमेंट इन लोअर ईस्ट साइड ऑफ न्यूयॉर्क सिटी 1934, पीछे रिवाइंड हो गए 1934 में चले गए, वेयर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स एट वाइड स्केल हैबिट चेंज वॉज बॉर्न। एक बहुत बड़ा वाइड स्केल, वाइड स्केल मतलब कुछ दो दो चार दस नहीं, हजारों लोगों की हैबिट चेंज पर काम किया जा रहा है। सिटिंग इन द बेसमेंट वॉज 39 ईयर ओल्ड एल्कोहलिक नेम्ड बिल विल्सन। वहां बेसमेंट में, बेसमेंट बड़ा अंधेरा सा होता है जमीन के नीचे, 39 साल का मुझसे एक साल सीनियर एक आदमी बैठा है, एल्कोहलिक। एल्कोहलिक कौन होता है? दारू पीने वाला। बिल विल्सन, यह है बिल विल्सन। ईयर्स अर्लियर, बहुत साल पहले, विल्सन हैड टेकन हिज फर्स्ट ड्रिंक ड्यूरिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप इन न्यू बेडफोर्ड मैसेच्यूट्स, वेयर ही वॉज लर्निंग टू फायर मशीन गन्स बिफोर गेटिंग शिप्ड टू फ्रांस एंड वर्ल्ड वॉर वन। बहुत साल पहले पहली बार उसने ड्रिंक कब लिया था? ऐसे ही मीटिंग में दोस्तों के साथ, जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जा रहा था, फ्रांस वगैरह में वो जॉब कर रहा था एज आर्मी ऑफिसर। प्रोमिनेंट फैमिलीज हु लिव्ड नियर द बेस ऑफन इनवाइटेड ऑफिसर्स टू डिनर, एंड वन संडे नाइट विल्सन अटेंडेड अ पार्टी वेयर ही वॉज सर्व्ड रेयर बिट एंड बियर। भाई आर्मी में ऐसा होता है, अच्छे अच्छे घर के लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं और साथ में क्या सर्व करते हैं? ड्रिंक्स। मैं भी गया था डॉक्टर साहब के यहां करीब 4-5 महीने पहले, मैंने कहा सर मैं तो ड्रिंक करता नहीं, बोलते अरे आज शुरू करो यार अच्छी वाली है। मैंने कहा सर प्लीज मत, अरे यार कभी ना कभी तो चालू करना ही, तो आज ही चालू करो बेचारे ने। तो वहां पर उसको रेयर बिट और बियर पिलाया गया। हेलो, तो उसको बियर दिया और खाने के लिए कुछ दिया। ही वॉज 22 ईयर ओल्ड, 22 साल का बेचारा बच्चा था, एंड हैड नेवर हैड एल्कोहल बिफोर, कभी उसने दारू नहीं पी थी पहले। विल, मिस्टर विल, क्या नाम था उसका? बिल विल्सन, बिल, बिल के नाम से याद रखिए, बिल बिजली का, बिल फोन का, बिल विल्सन।
ही वॉज 22. द ओनली पोलाइट थिंग इट सीम्ड वॉज टू ड्रिंक द ग्लास सर्व टू हिम. अब हम लोग के यहां तो कल्चर नहीं है दारू का, लेकिन अगर यहां पर मैं आपके सामने कोल्ड ड्रिंक रख दूंगा तो क्या करेंगे आप? पोलाइट, ठीक सर ने दिया है तो पी लेते हैं. तो उसने पोलाइटली उसको एक पी लिया. अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्ते बाद, विल्सन वॉज इन्वाइटेड टू अनदर एलिगेंट अफेयर, एक और अच्छी पार्टी में बुलाया गया. मेन इन टक्सीडोज, आदमी किसमें थे? टक्सीडोज में, सुंदर सुंदर सूट में. वुमेन वर फ्लर्टिंग, और औरतें जो थी एक दूसरे के साथ, आदमी औरत फ्लर्ट कर रहे थे. अ बटलर केम बाय एंड पुट अ ब्रॉन्क्स कॉकटेल, एक कॉकटेल उसके हाथ में दिया. अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिन, ड्राई स्वीट वर्माउथ एंड ऑरेंज जूस, बेसिकली अल्कोहल का कॉकटेल. इन टू विल्सन्स हैंड, उनके हाथ में दे दिया. ही टुक अप अ सिप एंड फेल्ट, ही लेटर सेड एज इफ ही हैड फाउंड एन एक्सेलियर ऑफ लाइफ, बोलता मैंने एक सिप लिया और ऐसा लगा जैसे मुझे जिंदगी का जूस मिल गया, बहुत अच्छा लगा उसको. बाय मिड 1930s, बैक फ्रॉम यूरोप, हिज मैरिज फॉलिंग अपार्ट एंड अ फॉर्च्यून फ्रॉम सेलिंग स्टॉक्स वेपराइज्ड, विल्सन वॉज कंज्यूमिंग 3 bottles ऑफ बूज अ डे. उसकी धीमी धीमे अब 3 bottles रोज की आदत पड़ गई. और उसके बीच में क्या हुआ, उसका स्टॉक जो था सब उड़ गया, शादी भी टूट चुकी थी. भाई तो क्या करेगा आदमी, परेशान है तो दारू पिएगा थोड़ा थोड़ा करके. ऑन अ कोल्ड नवंबर आफ्टरनून, वाइल ही वॉज सिटिंग इन द ग्लूम एंड ओल्ड ड्रिंकिंग बडी कॉल्ड, जो वो अकेला बैठा था शाम को नवंबर में, उसका दोस्त ने बुलाया. विल्सन इन्वाइटेड हिम ओवर एंड मिक्स्ड अ पिक्चर ऑफ पाइनएप्पल जूस एंड जिन, पाइनएप्पल जूस और जिन मिक्स किया. ही पोर्ड हिज फ्रेंड अ ग्लास, अपने दोस्त के लिए भी ग्लास बनाया. हिज फ्रेंड हैंडेड इट बैक, उसके फ्रेंड ने वापस दे दिया. ही वुड बी सोबर फॉर 2 months, वो सोबर रहने वाला था कितने टाइम के लिए? 2 महीने की के लिए. सोबर मतलब जब दारू नहीं पीते आप, उस टाइम को सोबर बोलते हैं. ही सेड, बोलता मैं 2 महीने से नहीं पिया, मैं नहीं पीऊंगा. हिज फ्रेंड हैंडेड इट बैक, उसने फिर से दिया. विल्सन वॉज एस्टोनिश्ड, उसको लगा मैं 2 महीने से नहीं पिया हूं और मुझे नहीं पीने का मन कर रहा है. वेरी गुड. ही स्टार्टेड डिस्क्राइबिंग हिज ओन स्ट्रगल विद अल्कोहल, इंक्लूडिंग द फाइट ही हैड गॉटन इनटू कंट्री क्लब दैट हैड कॉस्ट हिम हिज जॉब. उसके फ्रेंड ने कहा तुमने 2 महीने से नहीं पिया, ऐसे कैसे हो सकता है? उसने कहा तो बड़ी कमाल की चीज है. उसने कहा कैसे किया? बिकॉज ये भी, इसकी भी नौकरी चली गई थी दारू पी पी के. एक फाइट में गया था क्लब में, कंट्री क्लब में, फाइट की वजह से नौकरी चली गई थी. विल्सन ने तो 2 महीने से पी नहीं, और विल्सन के फ्रेंड ने उसको कहा कि तुम पियो, तो उसने कहा नहीं नहीं मैं 2 महीने, तुमने 2 महीने से पी नहीं, कैसे तुमने किया, कमाल कैसे किया. ही हैड मेड प्रॉमिसेस टू हिज वाइफ एंड जॉइंड एब्सटिनेंस ग्रुप. इस आदमी ने, उसके फ्रेंड ने बहुत कोशिश किया, ग्रुप बनाए, दोस्तों से बात किया, प्रॉमिस किया खुद से, लेकिन कभी भी उसकी आदत छूटी नहीं. He had been to detox and had taken pills. दवाइयां भी खाई थी, detox clinic होते हैं दारू छुड़वाने के, वहां भी गया था, लेकिन कोई फायदा नहीं है. None of it worked. How? Wilson asked, had his friend done it? Sorry, वाई से उल्टा है. Wilson ने उसके दोस्त को पूछा तुमने कैसे किया, ठीक है, उसके दोस्त ने बेसिकली छोड़ दिया था. तो इसने कहा I got religion. मुझे क्या मिल गया? Religion. Religion क्या होता है? रिलीजन के 2 वर्ड, 2 मतलब होते हैं. एक तो जो हम कॉमनली समझते हैं हिंदू मुस्लिम, ये रिलीजन हमारा. एक और जो एक्चुअल ट्रांसलेशन होता है रिलीजन वर्ड का, पता है क्या होता है? रिलीजन वर्ड का एग्जैक्ट मतलब होता है बैक टू सोर्स, जहां से आप आए हैं वहां पर पहुंचना. बेसिकली हिंदू मुस्लिम सिख ये सब चीज है क्या, आपके रास्ते हैं पीछे जाने के, कहां, जहां से आप आए हैं. अगर कोई भगवान भगवान के यहां से आप आए हैं तो वहां वापस जाने का रास्ता है, आपका रिलीजन है. इसका बेसिक सोर्स का मतलब होता है. बोलता है मुझे रिलीजन मिल गया. द फ्रेंड सेड ही टॉक्ड अबाउट हेल एंड टेम्पटेशन, सिन एंड डेविल. उसने बात करना शुरू कर दिया, जैसे रिलीजन में बोलते हैं हेवन के बारे में, हेल के बारे में, डेविल के बारे में, टेम्पटेशन के बारे में. रियलाइज यू आर लिक्ड, एडमिट इट एंड विलिंग टू टर्न योर लाइफ ओवर टू गॉड. बोलता है अब मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलती की थी और अब मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से भगवान की तरफ समर्पित कर दूंगा. विल्सन थॉट द गाय वॉज नट्स. विल्सन को लगा आदमी पागल है. लास्ट समर एन अल्कोहलिक क्रैक पॉट नाउ सस्पेक्टेड अ लिटिल क्रैक्ड अराउंड रिलीजन. बोलता है पिछले हफ्ते तक तो दारू पी के धुत रहता था और अब अचानक बड़े महात्मा बन गए हो तुम. बाद में उसने किताब में लिखा. When his friends left, Wilson polished off the booze and went to bed. उसने भी अपना थोड़ा बहुत था पी करके फिर सो गया.
मंथ लेटर, एक महीने बाद, दिसंबर 1934, विल्सन चेक्ड इनटू चार्ल्स बी टाउन्स हॉस्पिटल फॉर ड्रग एंड अल्कोहलिक एडिक्शन एन अपस्केल मैनहट्टन डिटॉक्स सेंटर. वो गया अपने आपको भर्ती करा दिया कि अपने को डिटॉक्स, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब होता है अपनी सफाई कराने के लिए अल्कोहल से. अ फिजिशियन स्टार्टेड आवरली इन्फ्यूजन ऑफ हेलुसिनोजेनिक ड्रग कॉल्ड बेलाडोना. एक दवाई डाली बेलाडोना, उससे हेलुसिनेशन होते हैं, आपको आवाजें सुनाई देती हैं, चीजें दिखाई देती हैं, ताकि आप उसको अल्कोहल को भूल जाएं. इंजेक्शन में डाल करके विल्सन फ्लोटेड इन एंड आउट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन अ बेड इन अ स्मॉल रूम. वो कभी कॉन्शियसनेस में अंदर जाता था, कभी ऊपर आता था, बेहोशी कभी आती थी, कभी होश आता था. देन इन एन एपिसोड दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट मिलियंस ऑफ मीटिंग्स इन कैफेटेरियाज, यूनियन हॉल्स, चर्च बेसमेंट, विल्सन बिगैन राइटिंग इन एगनी. फिर एक घटना हुई जिसको उसने बहुत हजारों लाखों बार लोगों को बताया है, चर्चेस में बताया है, मीटिंग हॉल में बताया है. क्या घटना हुई? फॉर अ डे ही हेलुसिनेटेड. एक दिन तक तो उसको हेलुसिनेशन हुआ, हेलुसिनेशन मतलब चीजें दिखाती रही, दिखाई. द विदड्रॉल पेन मेड इट फील एज इफ इंसेक्ट्स वर क्रॉलिंग अक्रॉस द स्किन. पेन ऐसा था कि उसको लगा था जैसे कीड़े उसकी स्किन के अंदर अंदर से घूम रहे हैं. ही वॉज सो नॉशियस ही कुड हार्डली मूव बट द पेन वॉज टू इंटेंस टू स्टे स्टिल. इतना उल्टी आ रही थी उसकी, हिल भी नहीं, जरा सा हिले तो उल्टी आ जाए, लेकिन दर्द इतना ज्यादा था कि उसको हिलना भी पड़ रहा था. इफ देर इज अ गॉड लेट हिम शो हिमसेल्फ, बोलता अगर भगवान है तो प्लीज मुझे दिखो. विल्सन येल्ड टू हिज एम्प्टी रूम, अकेले कमरे में चिल्ला रहा था वो. I am ready to do anything, anything. बोलता मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, please. At that moment, he later wrote. उस समय क्या हुआ? उसने बाद में लिखा. A white light filled his room. सफेद रंग की light उसके कमरे में चमकने लगी. The pain ceased. उसका दर्द खत्म हो गया. And he felt as if he were on a mountain top. उसको ऐसा लगा जैसे कि वो एक पहाड़ी के ऊपर बैठा है. And that a wind not of air but of spirit was blowing. और एक हवा चल रही थी, लेकिन वो हवा जो है बाहर की हवा नहीं थी, वो किसी स्पिरिट की हवा थी, किसी बहुत महा भगवान भगवान की. And then it burst open upon me that I was free man. फिर उसने मुझसे ऐसा मुझको मेरे ऊपर burst हवा आई और मुझे लगा कि मैं free हो चुका हूं. Slowly the ecstasy subsided. मुझे धीमे धीमे क्या हुआ, मेरी एक्सटेसी जो आनंद था वो खत्म, धीमे धीमे कम हुआ. आई ले ऑन द बेड, मैं बेड पे पड़ा रहा. बट नाउ फॉर अ टाइम आई वॉज इन अनदर वर्ल्ड, अ न्यू वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस. लेकिन अब मैं किसी दूसरी दुनिया में हूं, ऐसा लग रहा था. ऐसा ही किसको और लग रहा था? हमारे पीजे सहर जी को लग रहा था जब वो फकीर और फुकरा से मिले थे. उसको लग रहा था जैसे मैं किसी एलएसडी को लेकर के किसी और दुनिया में हूं, हालांकि उन्होंने ड्रिंक नहीं लिया था. बिल विल्सन would never have another drink. अब उसके बाद से बिल विल्सन ने कभी ड्रिंक नहीं ली. For next 36 years, अगले 36 साल तक, until he died of emphysema. बाद में वो मरे किस लिए? किस लिवर से खराबी से नहीं मरे, emphysema. छाती में इंफेक्शन हुआ था, उससे मरे थे. In 1971, he would devote himself to founding a building. उन्होंने बाद में अपने लिए डिवोट किया बनाने के लिए, क्या बनाया? एंड स्प्रेडिंग समथिंग कॉल्ड Alcoholic Anonymous. Alcoholic Anonymous is one of the biggest group in the world. इसमें लोगों को anonymous होता है बिना नाम का. Alcoholic मतलब alcoholic. AA ये Alcoholic Anonymous का sign है ये. Basically हम सब alcoholic हैं और हम अपना नाम किसी को नहीं बताएंगे. अब आपस में मिलकर के दूसरे को help करेंगे ताकि दारू छूटे. An estimated, एक अंदाजा है, 2.1 million people seek help from AA each year. करीब कितने लोग? 21 लाख से भी लोग ज्यादा लोग help लेते हैं Alcoholic Anonymous से हर साल. And as many as 10 million alcoholics may have achieved sobriety through the group. और करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की दारू छूट चुकी है. AA doesn't work for everyone. सबके लिए काम नहीं करता. Success rates are difficult to measure. और ये भी नहीं चेक कर सकते कि किसको फायदा कर रहा है किसको नहीं. Because participants anonymity. Because participant का नाम नहीं बताया जाता. कोई पूछेगा कि आपके ग्रुप में कौन कौन है, किसी को नाम नहीं बताते.
बाहर वालों को, बट मिलियंस क्रेडिट द प्रोग्राम विद सेविंग देयर लाइफ्स, लेकिन बहुत लोगों को उससे फायदा हुआ है। जैसे अभी मान लीजिए हम ड्रंकर्ड हैं, तो अगर कोई बाहर का पूछे आप लोग यहां पर क्या हो, नहीं बताएंगे। कौन इस ग्रुप में है, नाक नाक कटती है ना, इसलिए बहुत लोगों को फायदा हुआ है। AA इज फाउंडेशन क्रेडो, द फेमस 12 स्टेप्स, उसमें 12 स्टेप्स हैं, हैव बिकम कल्चरल लोडस्टोन्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द ट्रीटमेंट प्रोग्राम। और उसका जो 12 स्टेप्स है अल्कोहलिक का, अब साइंटिस्ट बाकी जगहों पर यूज करते हैं। कहां पर? ओवर ईटिंग के लिए, कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, गैम्बलिंग के लिए, जिनको उधार की आदत होती है, डेब्ट के लिए, सेक्स की आदत होती है, ड्रग्स की आदत होती है, होर्डिंग सामान को इकट्ठा करने वालों की भी आदत होती है, सेल्फ म्यूटिलेशन खुद को मारने की, स्मोकिंग, वीडियो गेम्स, डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, जितनी भी टाइप्स की एडिक्शन होती है सब जगह पर इसके 12 स्टेप्स को यूज किया जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस का। द ग्रुप्स टेक्निक ऑफर्स टेक्निक्स ऑफर इन एनी मेनी रेस्पेक्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्मूलाज फॉर चेंज। इनका जो 12 स्टेप है चेंज का बहुत पावरफुल फॉर्मूला है, ऑल ऑफ विच इज समवॉट अनएक्सपेक्टेड। और ये बहुत आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड है, बिकॉज AA हैज ऑलमोस्ट नो ग्राउंडिंग इन साइंस, कोई साइंस का स्टेप है ही नहीं इसमें। और मोस्ट एक्सेप्टेड थेरेपेटिक मेथड्स, कोई डॉक्टर ने कुछ रिसर्च किया हो ऐसा कुछ भी नहीं इसमें। एक ड्रंकर्ड जिसको कुछ हेलुसिनेशन हुआ, उसको भगवान टाइप की चीज दिखाई दिए, उसने कुछ नियम बना दिए, कॉमन कॉमन नियम है, और उससे दुनिया में चेंज इतना बड़ा आया। अल्कोहलिज्म ऑफ कोर्स इज मोर देन अ हैबिट, अल्कोहलिज्म जो है खाली हैबिट नहीं है, उसे कुछ ज्यादा है। इट्स फिजिकल एडिक्शन विद साइकोलॉजिकल एंड परहैप्स जेनेटिक रूट्स। फिजिकल तो आपकी बॉडी उसके पर आश्रित होती है, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं इसका जेनेटिक रूट है। जेनेटिक रूट मतलब आपके जीन्स में है, मतलब मुश्किल है बहुत निकलना। कहते हैं अल्कोहलिक बाप है तो अल्कोहलिक बच्चा बनता है, तो आप कैसे ठीक करेंगे उसको। What's interesting about AA, however, is that the program doesn't directly attack many of the psychiatric or biochemical issues that researchers say are often at the core of any alcoholic drink. लेकिन ये इस तरह के issues को touch ही नहीं करता है Alcoholic Anonymous. ठीक है, आपकी genetics में है, आपके जो भी है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। In fact, AA's method seems to sidestep scientific and medical findings altogether. वो scientific ये सब चीजों को side में कर देता है। As well as the type of intervention many psychiatrists say alcoholics really need. बल्कि वो ये भी बोल रहा है, तुम्हारे डॉक्टर बोलते हैं इसको ऐसा ऐसा करना है, ये दवाई लेनी है, उसको भी हटा दो, उसकी भी जरूरत नहीं तुम्हें। What AA provides instead is a method for attacking the habit that surrounds alcoholic use. वो करता क्या है, जो जिसको alcoholic use करता है उसकी habit को attack करता है। AA in essence is a giant machine for changing habit loop. एक बड़ा सा मशीन है जिसमें लाखों लोग अपनी हैबिट के लूप को ठीक करते हैं। एंड दो द हैबिट एसोसिएटेड विद अल्कोहलिज्म आर एक्सट्रीम, द लेसन AA प्रोवाइड्स डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑलमोस्ट एनी हैबिट इवन द मोस्ट ऑब्स्टिनेट कैन बी चेंज्ड। हालांकि इसका जो अल्कोहलिज्म से जुड़ा हुआ है ये बहुत एक्सट्रीम केस है भाई, अल्कोहलिज्म तो बहुत एक्सट्रीम केस है, हमको अल्कोहल नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसके जो लेसन है हम बाकी जगहों पर भी यूज कर सकते हैं। इतने वेरी रिसर्च किया है इस बंदे ने अल्कोहलिज्म में, उधर स्पोर्ट्समैन में। दे प्रैक्टिस्ड इन थेरेपिस्ट्स ऑफिस फॉर अबाउट 30 मिनट्स। अरे अच्छा हाँ ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस किया थेरेपिस्ट के ऑफिस में। एक थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट जानते हैं कौन होता है, जो आपको हेल्प करता है 30 मिनट तक के लिए। एंड मैंडी वॉज सेंट होम विथ न्यू असाइनमेंट, और मैंडी को क्या एक नया काम दिया गया, कंटिन्यू विथ इंडेक्स कार्ड बट मेक अ चेक वेन यू फील द टेंशन इन योर फिंगर टिप्स एंड हैश मार्क वेन यू सक्सेसफुली ओवर राइट द हैबिट। एक लड़की है उसका नाम है मैंडी, वो थेरेपिस्ट के पास गई है, उसको कुछ प्रॉब्लम है, एक हैबिट है। बिल विल्सन डिडंट रीड एकेडमिक जर्नल्स और कंसल्ट मेनी डॉक्टर्स बिफोर फाउंडिंग AA। बिल विल्सन ने जब AA बनाया था अल्कोहलिक एनोनिमस तो किसी डॉक्टर से नहीं मिला था, कोई किताब वताब नहीं पढ़ी थी हम लोगों की तरह,
हम लोग तो किताब पढ़ के अपनी हैबिट ठीक कर रहे हैं. अ फ्यू ईयर्स आफ्टर ही अचीव्ड सोबरिटी, कुछ साल बाद जब उसकी दारू छूट गई, ही रोट द नाउ फेमस 12 स्टेप्स इन अ रश वन नाइट व्हाइल सिटिंग इन बेड. बेड पर बैठा हुआ था, उसने 12 स्टेप्स लिख दिए जल्दबाजी में. ही चोज द नंबर 12 बिकॉज देर वर 12 अपोस्टल्स. उसने 12 क्यों चूज किया, क्योंकि 12 अपोस्टल्स हैं. अपोस्टल्स सूत्र, ईसा मसीह के 12 शिष्य थे. एंड सम एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम वॉज नॉट जस्ट अनसाइंटिफिक, दे कैन सीम डाउन राइट स्ट्रेंज. और उसमें से खाली आपको ये नहीं लगेगा कि स्टेप्स अनसाइंटिफिक है, आपको तो अजीब लगेगा, क्या बता रहा है, कुछ भी बोल रहा है. टेक फॉर इंस्टेंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, ए इज इंसिस्टेंस दैट अल्कोहलिक्स अटेंड 90 मीटिंग्स इन 90 डेज एट अ स्ट्रेच, इट अपियर्स चोजन एट रैंडम. 90 दिन आपको कंटिन्यूअस आना है, अगर कोई भी दिन एक दिन ब्रेक हो गया तो फिर से 90 दिन करना है. क्या इसका क्या तुक है, कोई तुक नहीं है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है. और द प्रोग्राम्स इंटेंस फोकस ऑन स्पिरिचुअलिटी, और प्रोग्राम किस पर फोकस करता है, स्पिरिचुअलिटी पर, कि अगर तुम्हें दारू छोड़नी है तो मैं भगवान के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा. एज आर्टिकुलेटेड इन स्टेप 3 विच सेज दैट अल्कोहलिक कैन अचीव सोबरिटी बाई मेकिंग अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम. उसमें लिखा है अगर आपको दारू छोड़नी है तो अपनी जिंदगी और अपने डिसीजन को भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा, और यह बताना पड़ेगा कि भगवान मेरी केयर करो. 7 ऑफ द 12 स्टेप्स मेंशन गॉड और स्पिरिचुअलिटी, विच सीम्स ऑड फॉर अ प्रोग्राम फाउंडेड बाय द वन टाइम एग्नोस्टिक हु थ्रू आउट हिज लाइफ वॉज प्लेंटी हॉस्टाइल टूवर्ड्स ऑर्गेनाइज रिलीजन. ये वैसा आदमी था जो खुद एग्नोस्टिक था, नास्तिक था, मानता नहीं था भगवान को, यह भगवान के लिए बात कर रहा है. ए एज मीटिंग डोंट हैव अ प्रिस्क्राइब स्केड्यूल और करिकुलम, कोई लिखा हुआ करिकुलम भी नहीं है, तुम लोग यही बात करोगे या इतने बजे ये काम करोगे. रादर दे यूजुअली बिगिन विद मेंबर्स टेलिंग हिज और हर स्टोरी आफ्टर विच वन पीपल कैन चाइम इन. आपस में बैठते हैं, ठीक है अपने बारे में बताओ, तुम अपने बारे में बताओ, फिर कोई कुछ बोलेगा, फिर कोई कुछ बोलेगा, ऐसा. देर आर नो प्रोफेशनल हु गाइड कन्वर्सेशन एंड फ्यू रूल्स अबाउट हाउ मीटिंग्स आर सपोज टू फंक्शन. और कोई प्रोफेशनल भी नहीं होता वहां पे, कि कोई स्पेशलिस्ट बैठा हो बैठा उधर, सभी खाली बात करते हैं ना, कोई नहीं है. इन पास्ट 5 decades, कितने सालों में, 50 सालों में, एज ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ साइकेट्री एंड एडिक्शन रिसर्च हैज बीन रेवोल्यूशनाइज्ड बाय डिस्कवरीज इन बिहेवियर साइंस फार्माकोलॉजी एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रेन, ए हैज रिमेंड फ्रोजन इन टाइम. हम तो साइकोलॉजी में बहुत कुछ सीख गए हैं, हैबिट के बारे में पता नहीं क्या क्या जान गए हैं, लेकिन ए वही चलता है, वही ढर रहा है उनका, और कुछ बदला नहीं उनका, कोई नया स्टेप नहीं ऐड हुआ, कोई डॉक्टर नहीं आया उसमें. बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम्स लैक ऑफ रिगर एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड इट. वो इतना बोरिंग है, रिगर ही नहीं है, कुछ कुछ जान नहीं है, तो जो लोग पढ़ते वढ़ते रिसर्च करने वाले उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है कि क्या हो रहा है इसमें. ए एज एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअलिटी सम क्लेम्ड मेड इट मोर लाइक कल्ट देन अ ट्रीटमेंट. लोग बोलते हैं ना कल्ट जैसा है, कल्ट मतलब बाबा रामदेव, आसाराम जी के शिष्य, ऐसा शिष्य टाइप का कुछ चक्कर है, ये कोई साइंटिफिक स्टेप नहीं है. Researchers now say the program's method for valuable lesson, but लेकिन अब कहते हैं उनमें है कुछ कुछ तो है जो हम सीख सकते हैं, तो लोगों की दारू छूटती कैसे. Faculty at Harvard, Yale and University of Chicago, the University of New Mexico and dozens of other researchers center have found a kind of science within AA. अब जाकर के 50-60 सालों में बोलते हैं उसमें कुछ साइंस टाइप की कुछ चीज है, हम चाहें तो खोज सकते हैं. That is similar to one Tony Dungy used on the football field. ये ऐसा ही कुछ है जिसको टोनी डंजी ने कहां यूज किया, फुटबॉल फील्ड में. Their findings endorse the golden rule of habit change. उनका जो फाइंडिंग है वो एंडोर्स करता है, एंडोर्स मतलब सपोर्ट करता है उसकी रूल को, गोल्डन रूल चेंज का, हैबिट चेंज का. AA succeeds because it helps alcoholic use the same cues and get the same reward, but it shifts the routine. उनको cues वही रहता है, रिवॉर्ड भी वही रहता है, लेकिन रूटीन बदल देते हैं. डोरी रंजी भी यही करता था, सेम क्यूज सेम रिवॉर्ड बट रूटीन चेंज. हम लोग नया पढ़ रहे हैं इसको. रिसर्चर्स से दैट AA वर्क्स बिकॉज द प्रोग्राम फोर्सेस पीपल टू आइडेंटिफाई द क्यूज एंड रिवॉर्ड दैट एनकरेजेस देयर अल्कोहलिक हैबिट्स एंड देन हेल्प्स देम टू फाइंड न्यू बिहेवियर्स. बोलते हैं उनको हेल्प करता है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई द क्यू. ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है टू आइडेंटिफाई अ क्यू. Help them to find and reward that encourages that alcoholic habit. और फिर बाद में उस क्यू के लिए and reward that encourages their alcoholic habits. जो उनको हैबिट थी
जिसकी वजह से उन्होंने अल्कोहलिक लेना शुरू किया था, उस हैबिट को किसी और तरीके से करने के लिए रिवॉर्ड करते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी बीवी की याद आती है और मैं दारू पीता हूं, जब बीवी की याद आती है तो मैं कोई और काम करता हूं तो उसको रिवॉर्ड करना। अभी समझते हैं। बट टू चेंज एन ओल्ड हैबिट यू मस्ट एड्रेस एंड ओल्ड क्रेविंग। अगर आप पुरानी हैबिट चेंज करना चाहते हैं तो कोई पुरानी क्रेविंग को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। फेसबुक ने क्या किया है, व्हाट्सएप ने पता है क्या किया है, हमारी एक पुरानी हैबिट है, हम लोगों से बात करना चाहते हैं, हम लोगों को हर समय बताना चाहते हैं हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे याद है आज से 20 साल पहले मेरे घर में से फोटोज चोरी हो जाया करते थे। हमारे पास कैमरा था, कलर्ड फोटो, एक एक पांच एक एक फोटो 5-5, 6-6 रुपए की बनती थी। कोई बुआ आई, कोई बहन आई, छुपा के ले जाती थी फोटो। उसी को फेसबुक ने शेयरिंग के फॉर्म में ओल्ड हैबिट न्यू रूटीन, जो आप शेयर करते हैं किसी की फोटो, ये वही है। यू हैव टू कीप द सेम क्यूज एंड रिवॉर्ड एज बिफोर एंड फीड द क्रेविंग बाय इंसर्टिंग अ न्यू रूटीन। क्यूज वही रहेगा और रिवॉर्ड वही रहेगा, लेकिन अब आपको उसको नया रूटीन डाल करके क्रेविंग को शांत करना होगा। टेक स्टेप फोर। स्टेप फोर क्या है, टू मेक अ सर्चिंग एंड फियरलेस इन्वेंट्री ऑफ आवर सेल्फ। अपने अंदर में सर्च करना, उसमें फोर स्टेप है अल्कोहलिक एनोनिमस का। अपने अंदर को सर्च करो, सर्च करो वो है क्या, क्यों खोज रहा है आदमी। एंड स्टेप फाइव, टू एडमिट टू गॉड, टू आवर सेल्फ्स एंड अनदर ह्यूमन बींग एग्जैक्ट नेचर ऑफ आवर रॉन्ग्स। एक किसी और को बताओ हमने क्या गलत किया है, भगवान हमने गलत किया है, इसको तुम ठीक करो। जब तुम किसी को बता देते हो तो तुम्हें एक हल्का सा रिवॉर्ड मिलता है, फील आती है अच्छा सा। इट इज नॉट ऑब्वियस फ्रॉम द वे दे आर रिटन, बट टू कंप्लीट दो स्टेप्स समवन हैज टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल द ट्रिगर्स फॉर देयर अल्कोहलिक अर्जेस। अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ट्रिगर लिखना पड़ेगा कि कब कब मुझे अर्ज होता है दारू पीने का। सेज जे स्कॉट टोनिगन, अ रिसर्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको हु हैज स्टडीड AA फॉर मोर देन अ डिकेड। रिसर्च करता है उसके ऊपर। व्हेन यू मेक सेल्फ इन्वेंट्री यू आर फिगरिंग आउट ऑल द थिंग्स दैट मेक यू ड्रिंक। जब आप अपना सेल्फ क्या कर रहे हो, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, सेल्फ इन्वेंट्री अपने आप को, तब कर क्या रहे हो बेसिकली, आप अपनी क्यूज खोज रहे हो। एंड एडमिटिंग टू समवन एल्स ऑल द बैड थिंग्स यू हैव डन इज अ प्रीटी गुड वे ऑफ फिगरिंग आउट द मोमेंट वेयर एवरीथिंग स्पाइरल्ड आउट ऑफ कंट्रोल। और जब आप तू किसी और को बताते हो अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी गिल्ट के बारे में, तो ये वही पॉइंट है जहां पर आपकी आप स्पाइरल आउट हो रहे थे। मतलब सब बकवास है, दुनिया में कोई नहीं है, दारू पी लो। लेकिन अब क्या हो रहा है, भगवान अगर कोई है तो प्लीज मुझे सुन लो। तो जो पहले दारू में चली जाती थी अब भगवान की तरफ जा रही है। भगवान है कि नहीं इससे मतलब नहीं, बट वो हैबिट शिफ्ट होकर कहीं और जा रही है। देन अल्कोहलिक एनोनिमस आस्क्स अल्कोहलिक्स टू सर्च फॉर द रिवॉर्ड दे गेट फ्रॉम अल्कोहल। बोलते थे अच्छा अल्कोहल पीने से क्या रिवॉर्ड मिलता था, उसको सर्च करो। व्हाट क्रेविंग द प्रोग्राम आस्क्स आर ड्राइविंग योर हैबिट्स। ऑफन इंटॉक्सिकेशन इटसेल्फ डजंट मेक द लिस्ट। खाली बेहोशी नहीं है रिवॉर्ड, उसको रिवॉर्ड क्या था। अल्कोहलिक्स क्रेव अ ड्रिंक बिकॉज इट ऑफर्स एस्केप। ड्रिंक पीने से क्या मिलता है उनको, एस्केप किसी से, अपनी प्रॉब्लम से। रिलैक्सेशन मिलता है, कंपेनियनशिप मिलता है। दो लोग साथ में बैठ के दारू पीते हैं, कंपेनियनशिप क्या होता है, दोस्ती। बैर कराते, मंदिर मस्जिद, मेल कराती, मधुशाला, सुना है, हिंदू मुस्लिम अलग 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 उनकी भाषा। तो कंपेनियनशिप मिलता है इसमें। एंड ब्लंटिंग ऑफ एंग्जाइटीज, और जो डर होता है वो कम हो जाता है। एन अपॉर्चुनिटी फॉर इमोशनल रिलीज, अपने इमोशंस को रिलीज करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है दारू पीने से। दे माइट क्रेव अ कॉकटेल टू फॉरगेट देयर वरीज। हो सकता है आप एक कॉकटेल क्यों ले रहे हो, तो आपकी आपकी चिंता खत्म हो जाए। बट दे डोंट नेसेसरली क्रेव फॉर फीलिंग ड्रंक। वो ड्रंक होने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूलने के लिए आ रहे हैं। द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल आर ऑफन वन ऑफ द लीस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ एडिक्ट। जो उससे बेहोशी आती है वो तो बहुत ही नुकसानदायक है, अच्छा नहीं लगता बेहोश होना। किसको अच्छा लगता है बेहोश होना, ऐसे हम लोग कभी देखा बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, आंख नहीं खुल रही है, कितना बेकार लगता है उस समय। तो वो मजा नहीं आता लोगों को, ड्रिंक में बेहोशी नहीं अच्छी लगती। देयर इज अ
हेडोनिस्टिक एलिमेंट टू अल्कोहल। भाई वाह, हेडोनिस्टिक मतलब अपन ने बायस में पढ़ा है, हेडोनिस्टिक, हेडोन, हेडोनिस्टिक अभी पढ़ेंगे। दैट इज अल्फ मिलियर, अ जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट हु हैज स्टडीड ब्रेन एक्टिविटी अमंग्स अल्कोहलिक। बट पीपल ऑल्सो यूज अल्कोहल बिकॉज दे वॉन्ट टू फॉरगेट समथिंग और टू सेटिस्फाई अदर क्रेविंग, एंड दीज रिलीफ क्रेविंग अकर इन टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैन द क्रेविंग फॉर फिजिकल प्लेजर। कोई प्लेजर मिलता है, इमोशनल प्लेजर मिलता है, कोई रिलीफ मिलती है, और वो जहां पर फिजिकल प्लेजर होता है वहां से अलग है जब आप दारू पीते हैं तो। इन ऑर्डर टू ऑफर अल्कोहलिक्स द सेम रिवॉर्ड दे गेट टू अ बार, वो बार में जाते हैं, घर पे अकेले पीने में मजा नहीं आता, बार में लोग रहते हैं साथ में। अल्कोहलिक एनोनिमस हैज बिल्ट अ सिस्टम ऑफ मीटिंग एंड कंपेनियनशिप, इसलिए क्या बोलते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस में इकट्ठे होकर के कंपेनियन मिलते हैं एक दूसरे को। द स्पॉन्सर ईच मेंबर वर्क्स विथ, और उनका यह भी है कि एक स्पॉन्सर होना चाहिए, आपको एक आदमी लेकर आएगा तभी आ सकते हो। दैट स्ट्राइव्स टू ऑफर एज मच एस्केप डिस्ट्रैक्शन एंड कैथरेसिस एज फ्राइडे नाइट बेंडर, जो शाम को फ्राइडे नाइट पे आप मौज करने जाते हो वैसे यहां पर भी होता है, आपका फ्रेंड आपको लेकर आता है, आपको एक रिलीफ मिलता है। इफ समवन नीड्स रिलीफ दे कैन गेट इट फ्रॉम टॉकिंग टू देयर स्पॉन्सर और अटेंडिंग अ ग्रुप गैदरिंग रादर देन टोस्टिंग अ ड्रिंकिंग बडी। अगर आपको रिलीफ चाहिए तो अपने साथ फ्रेंड के साथ जाओ और ग्रुप गैदरिंग कर लो बजाय अपने दोस्त के साथ ड्रिंकिंग बडी के साथ। AA forces you to create new routine for what to do each night instead of drinking। जो हर रोज रात को ड्रिंक करते थे उसकी जगह क्या नया करो, क्यों वही है, रिवॉर्ड भी वही है, रूटीन बदला। पहले जाते थे बार में, अब जाओगे अल्कोहलिक एनोनिमस के चर्च में, ग्रुप में। द ट्रिगर एंड पे ऑफ स्टे द सेम, ट्रिगर और पे ऑफ वही है, फ्रेंड्स मिलते हैं और क्यों इधर है, जस्ट द बिहेवियर, इट इज जस्ट द बिहेवियर दैट चेंजेस, और खाली बिहेवियर बदलता है, बाकी कल पढ़ेंगे।